पेट्रोल पंप वाले तमाम गाड़ियों में कम तेल देते हैं, किरासन मिक्स तेल देते हैं, या अब पानी वाली भी बात सामने आई है, और जो लोकल पदाधिकारी हैं ये सब लोग मिल करके राजनीतिक संरक्षण में इस ढंग का पूरा लूटपाट कर रहे हैं। इसमें भाजपा के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं ये सब लोगों की मिलीभगत है, पूरे देश स्तर पर है, बिहार में भी इसकी जांच होनी चाहिए। बिहार में पेट्रोल पंप के कर्मियों द्वारा धोखाधड़ी और मिलावट करने का एक अनोखा मामला सामने आया है। खास बात ये कि ठगी का शिकार होने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि इलाके का विधायक है। बिहार की सिकटा सीट से भाकपा माले के विधायक पेट्रोल पंप पर ठगी का शिकार हुए हैं। विधायक जी ने अपने स्कॉर्पियो में 51 लीटर डीजल तो लिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला है। तेल लेने के बाद मात्र 500 मीटर तक ही विधायक जी की गाड़ी चली और बंद हो गई। घटना मेहसी थाना क्षेत्र के माँ विंध्यवासिनी सर्विस सेंटर की बताई जा रही है। विधायक जी सिकटा से पटना कृषि विभाग के बैठक में शामिल होने आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में पूर्वी चंपारण के मेहसी थाना क्षेत्र के पास उनके स्कॉर्पियो की डीजल खत्म हो गई। NH 28 पर बगल के पेट्रोल पंप मेसर्स माँ विंध्यवासिनी सर्विस सेंटर इंडियन ऑयल पंप था, जो कि बंधना NH 28 पर है। वहां से विधायक जी ने अपनी गाड़ी में 51 लीटर डीजल भरवाया और 4,882 रुपये का बिल पंप से लेकर चले, लेकिन महज 500 मीटर आगे बढ़ते ही गाड़ी बंद हो गई। टंकी में तेल फुल होने के बाद भी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, तो हैरान परेशान विधायक ने बगल से एक मैकेनिक को बुलवाया और गाड़ी की जांच कराई। इस दौरान गाड़ी की टंकी में तेल की जगह सिर्फ पानी ही पानी निकला। इसको लेकर विधायक ने मेहसी थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता की शिकायत पर चकिया SDO के निर्देश पर MO ने सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता की गाड़ी की टंकी से तेल निकाल कर जांच की। जांच में 2 गैलन में निकाले गए डीजल पानी युक्त था। इसके बाद विधायक की गाड़ी से निकले डीजल को गैलन सहित जब्त कर लिया गया और थानाध्यक्ष को कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया है। वहीं इस मामले में सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने पेट्रोल पंप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहाँ के जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो सेल्स मैनेजर हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने उनको बार बार कहा कि आप अपने डीजल, अपने कंपनी के डीजल का गुणवत्ता का जांच कर लीजिए, लेकिन वो नहीं आए। तो ये पूरी तरह से मिली भगत है, ये जांच होनी चाहिए। और इसमें भाजपा के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं ये सब लोगों की मिली भगत है, पूरे देश स्तर पर है, बिहार में भी इसकी जांच होनी चाहिए। और जो पेट्रोल पंप मालिक हैं जो इधर उधर से तमाम तरह से अपनी गलतियों को एहसास करने के बदले भाजपा के नेताओं के द्वारा, जदयू के नेताओं के द्वारा, MLA MP के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि बाकी लोगों के लिए यह रास्ता बन सके। और हम पर बहुत सारे दबाव बनाए जा रहे हैं कि आप इस पर छोड़ दीजिए, तो हमारा पर्सनल मामला नहीं है, केवल हमारी जो है नुकसान की भरपाई का मामला नहीं है, ये पूरा आम जनता का मामला है, पूरे बिहार में हो रहा है। और इस लिहाज से इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, हम कार्रवाई की मांग करते हैं। तमाम पेट्रोल पंप में जो मिलावट का काम जारी है उसकी जाँच की मांग करते हैं।